नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों, अक्सर हम लोग किसी के चेहरे को देखकर या किसी ने कैसे कपड़े पहने हैं यह देखकर हम उसके स्वभाव का अंदाजा लगा लेते हैं, पर कई बार हम गलत भी हो जाते हैं। आइए कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कह दो कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई हो, जो संन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहा हो। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बिठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हालचाल है तुम्हारे? राजा बोला, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? साधु ने कहा कि जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वे भी एक एक करके चले गए। पांचों रानियां भी वृद्ध हो गई और अब उनसे कोई काम नहीं होता। यह सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने 10 सोने के सिक्के कम बताए। तब राजा ने कहा कि इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर लें। साधु बोला कि मेरे साथ 7 समुद्र पार चलो, वहां सोने की खदियाने हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा, मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा करें राजन, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दिया? राजन ने समझाया कि देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका आशय उसके बूढ़े शरीर से था, 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां थी। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तोल देने की थी। इसलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सोने के सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूँगा। दोस्तों, किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें सिर्फ किसी ने खराब कपड़े पहने हैं या वो देखने में अच्छा नहीं है, उसके बारे में गलत विचार कभी नहीं बनाने चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।